अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं डिजाइनर चाशनी वाली गुजिया। आज जो हम डिजाइनर गुजिया बनाने जा रहे हैं वो हम बिना सांचे के बनाएंगे। इस डिजाइनर गुजिया को बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है कि होली आने वाली है, तो आप लोग तो इस होली में गुजिया बनाने ही वाले हो, तो इस डिजाइन का गुजिया बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सब आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपका गुजिया टूटेगा नहीं। आइए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरेख किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। डिजाइनर गुजिया बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें आधा किलो मैदा डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हो, मैं यहाँ पे आधा किलो मैदा ही लूंगी। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें एक कटोरी घी ऐड कर देंगे। अगर आप आधा किलो मैदा लेते हो तो उसमें 100 ग्राम ही घी ढलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, घी की मात्रा ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि इसे ढालने से हमारा जो गुजिया होगा बहुत ही खस्ता बनेगा। दोस्तों आपको घी को मेल्ट कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों आपको घी को मेल्ट करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करना है। अब इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों कि मिक्स करने के बाद आपका मैदा किस तरीके का होना चाहिए। हाथों में इस तरीके से मैदे को ले लेंगे और इस तरीके से दबा के हमें देखना है कि हमारा जो मैदा है वो खस्ता हुआ कि नहीं। अगर ये लड्डू के शेप में आ जाता है दोस्तों, यानी कि हमारा जो मैदा है बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है और इसमें घी की मात्रा बिल्कुल सही है। और अगर आप लोगों का लड्डू के शेप में नहीं आता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, तो आप उसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिए, आपका भी जो मैदा होगा वो लड्डू की शेप में आ जाएगा। लड्डू बनाने के बाद इस तरीके से हाथ से इसको तोड़ेंगे, अगर ये बहुत ही अच्छी तरीके से टूट जाता है यानी कि जो हमारा मैदा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बहुत ही अच्छा सा डो बना लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि मैं जैसा जैसा ट्रिक बता रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों इस रेसिपी को मैंने पहले अपने घर में खुद ट्राई किया है, फिर मैं ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हमारा डो बन गया है, अब इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए अलग जगह रख देंगे। अब हम गुजिया की स्टफिंग रेडी कर लेंगे दोस्तों। एक पैन ले लेंगे और उसमें एक चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें एक कटोरी सूजी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। अब इसको अच्छे तरीके से चम्मच से हिला देंगे। आपको इसी तरीके से चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे के साइड से जले ना। हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है सूजी, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में एक चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें एक कटोरी नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसको चम्मच से इसी तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे के साइड से जले ना और ये हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे। दोस्तों अभी से नारियल और सूजी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब उसी पैन में 200 ग्राम खोया डाल देंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना कि आपने जितना सूजी और नारियल लिया है उससे ज्यादा हमें खोया लेना है, इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बन जाती है। दोस्तों इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधी कटोरी शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में बारीक पीस सकते हो। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे चम्मच से। दोस्तों हम चीनी की मात्रा कम लेंगे क्योंकि हम गुजिया को चाशनी में डीप करने वाले हैं। खोया भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। खोया हमारी ठंडी हो चुकी है,
अब हम खोए को ऐड कर देंगे सूजी और नारियल के बुरादे में। अब इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करना है हमें दोस्तों। हमारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब इसको भी अलग जगह निकाल के रख देंगे। अब हम चाशनी बना लेंगे। अब हम पैन में एक कटोरी चीनी डाल देंगे और इसमें दो कटोरी पानी ऐड कर देंगे। चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 3 इलायची कूट के ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी चाशनी ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए ना ज्यादा पतली हो। हमारी चाशनी अभी बहुत पतली है, इसे गाढ़ा होने तक थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तब तक हम अपने डो को देख लेते हैं और इसको हाथों से अच्छी तरीके से एक बार मसल लेंगे। हमारे डो को 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो डो है बहुत ही सॉफ्ट है। अब डो में से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल इस साइज के। अब हम डो से एक बॉल को ले लेंगे और इसको इस तरीके से गोल के शेप में लाएंगे। अब इस तरीके से हाथों से इसको गोल गोल इस तरीके से शेप में लाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये जो प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ वो मैं आपको बिना बेले हुए दिखा रही हूँ। इसे हमें हाथों से ही करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, इसको इस तरीके से दबाएंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दबाना है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं दबाते हो तो आपका तलते वक्त ये खुल सकता है और आपकी सारी स्टफिंग तेल के साथ मिक्स हो सकती है और ये सारी स्टफिंग गुजिया में चिपक जाएगी। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दबाना बहुत ही जरूरी है। अब एक किनारे से पकड़ के इसको इस तरीके से मोड़ते चले जाएंगे। इसे करने के बाद आपका गुजिया के शेप में आ जाएगा। ये देखिए, एकदम गुजिया के शेप में आ चुका है, बहुत ही सुंदर बना है। अब इसे और अच्छा डिजाइन देने के लिए फोक चम्मच से इसके किनारों को इस तरीके से दबाते चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इससे बहुत अच्छा डिजाइन आ चुका है। तो हमारा एक डिजाइन बनके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा डिजाइन दिखा देती हूँ। अब एक मैदे के बॉल को ले लेंगे और इसको इस तरीके से बेल लेंगे। अब एक गोल कटोरी ले लेंगे और इसको इस तरीके से इस पर रख के कट कर लेंगे। अब इसको चाकू से इस तरीके से कट कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि आपको पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ बीच में से थोड़ा सा कट करना है। अब इसको निकाल लेंगे और एक मैदे के बॉल को ले लेंगे और उसको बेल लेंगे। अब फिर से इसके ऊपर कटोरी रख के इसको कट कर लेंगे। अब जिसे हमने चाकू से कट कर लिया था उसे पहले रख देंगे और उसके ऊपर ये दूसरा वाला रख देंगे। अब इसको इस तरीके से हाथों से दबा देंगे ताकि ये खुले ना। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्टफिंग डाल देंगे। अब इसको इस तरीके से मोड़ देंगे ऊपर से नीचे, जैसा हमने पहले मोड़ा था बिल्कुल वैसा ही। अब इसको उंगली से इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये खुले ना। अब इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, जैसे हमने पहले वाला बनाया था बिल्कुल वैसा ही करना है। अब दोनों किनारों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से किनारों को इस तरीके से दबाना है ताकि ये खुले ना तलते वक्त। दबाने के बाद इसको इस तरीके से लंबा खींच लेंगे ताकि इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर लगे। ये देखिए, हमारा दूसरा डिजाइन भी कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको तीसरा डिजाइन दिखा देती हूँ। एक मैदे का बॉल ले लेंगे और उसको इस तरीके से बेल लेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ देंगे और उंगली से इस तरीके से दबा देंगे। अब ऊपर के साइड भी इस तरीके से मोड़ देंगे और उंगली से दबा देंगे। अब इस साइड से भी मोड़ देंगे और उंगली से दबा देंगे और इस साइड से भी मोड़ देंगे और दबा देंगे। हमें चारों तरफ से इसको मोड़ना है और दबाना है। अब इसको पलट देंगे और इसके बीच में स्टफिंग डाल देंगे। अब चारों कोनों को इस तरीके से मिला देंगे बीच में और अच्छे से बीच में इन चारों कोनों को दबा देंगे। अब इस तरीके से दबा देना है ताकि ये भी तलते वक्त हमारा खुले ना। चारों साइड से इस तरीके से दबा देना है आप लोगों को दोस्तों। अब इसको फिर से पलट देना है।
ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर डिजाइन आ गया है। और इसके बीच में हमें डेकोरेट करने के लिए फूल बनाना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ फूल कैसे बनाना है। छोटा सा लोई ले लेंगे, इसको गोल बेल लेंगे और इसको चाकू से इस तरीके से कट कर देंगे। को ध्यान रखना है बीच में से कट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही कट करना है। इस तरीके से चारों तरफ से कट कर लेंगे। एक एक पंखुड़ी लेंगे और इसको इस तरीके से दबाते जाएंगे तो ये फ्लावर के शेप में आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर बनके रेडी हो चुका है। अब इसे डेकोरेट के लिए गुजिया के ऊपर चिपका देंगे, बिल्कुल इस तरीके से बीच में। आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका लेना है ताकि तलते वक्त ये खुले ना। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे ही हमने सारे डिजाइन के गुजिया बना लिए हैं। ये देखिए दोस्तों हमने दो गुजिये को रंग से बनाया है। दोस्तों मैंने आपको इतने सारे डिजाइन दिखा दिए हैं, आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे आप उसे होली के दिन जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों आपको इसमें से कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैंने सिंपल डिजाइन के गुजिया भी बना लिए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों आपका ऑयल ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक गुजिया को डालते चले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपको एक दो गुजिया फ्राई नहीं करना है, एक साथ आप बहुत सारे गुजिया को फ्राई कीजिए। दोस्तों आप इन सब गुजिया को धीमी आंच पे ही फ्राई कीजिए तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। धीमी आंच पे फ्राई करने से हमारा गुजिया जो होता है वो अंदर से भी पक जाता है। अब इसको उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब इसको निकाल के चाशनी में डीप कर लेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है तुरंत ऑयल से निकालने के बाद आपको इसे चाशनी में डीप कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों इससे ये होता है कि जो हमारी गुजिया होती है वो चाशनी में बहुत ही अच्छी तरीके से डीप हो जाती है। 15 से 20 मिनट तक इसे चाशनी में डीप होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो ये स्पेशल गुजिया आप होली में जरूर ट्राई कीजिए और लोगों की तारीफ बटोरने के लिए तैयार हो जाइए। ये डिजाइनर चाशनी वाली गुजिया अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ऐसे यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।